पता है क्या है सर, जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, या चाहे वो कोई रिश्ता निभाने का हो या बिजनेस करने का हो, जिस वक्त आप वो फैसला ले रहे होते हैं वो आपको उस वक्त सही ही लगता है। बड़ी खुलूस से, आपको अच्छी फीलिंग ही आ रही होती है। तो आई थिंक वो अच्छी फीलिंग की तलाश में हम जिंदगी के सारे फैसले करते हैं। फिर कभी कभी लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार ये फैसला शायद मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ हैप्पीनेस कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ धमाकेदार खबर शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिना और आगा अली 2020 को शादी के बंधन में बंधे थे। लोगों को इन दोनों का कपल बहुत पसंद था और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे। आगा और हिना ने अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर बहुत प्राइवेट रखी हुई थी। दोनों साथ ज़्यादा तस्वीरें अपलोड नहीं करते, लेकिन जब भी अपलोड करते तो सब बहुत पसंद करते थे। लेकिन शादी के 3 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरें और शादी की भी तस्वीरें सोशल मीडिया से डिलीट कर दी। वाजिया था कि दोनों में अलहदगी हो गई है। हाल ही में अकाली ने एक इंटरव्यू में बताया कि कुछ फैसले हम जल्दी कर देते हैं और वो हमें उस टाइम बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन वो फैसले होने के बाद हमें समझ आती है कि ये फैसले हमसे गलत हो गए हैं। लेकिन वो फैसले कारोबारी हों या चाहे शादी के बारे में हों, दोनों फैसले सोच समझ के कर लेने चाहिए। आप आगा की बात से कितने मुत्तफिक हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।